बात कीजिए। कैन हेयर मी? या वी कैन हेयर यू। जी 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 सो जी नमस्ते जी, आई एम हिंदू। मित्रा साहब नाम है आपका? हाँ मेरा नाम नहीं है, बट आई जस्ट केप्ट इट दैट वे। बट कैन वी लाइक स्पीक इन इंग्लिश, इज दैट ओके? ये तो उख्ती की इजाजत है भाई, हम नहीं तो यहाँ पे कैसे आते भाई, हैं। नहीं, इफ यू कैन स्पीक इन हिंदी उर्दू जो हमारी लैंग्वेज होती है, दैट वुड बी बेटर, ओके आई विल ट्राई बिकॉज़ बोथ। अगर मतलब ओके यू कैन सो स्पीक मिक्स। या या माय व्हाट पॉइंट इज योर रीजन? इज हिंदुइज्म, सनातन धर्म। हिंदुइज्म, ओके, सनातन। जी कैसे भाई? सो आई थिंक सनातन धर्म इज बेटर देन इस्लाम, because it सही। predates the oldest Abrahamic religion, Judaism, which comes from polytheism. मतलब with all evidences, it predates every possible मतलब existence of Abrahamic religion. और सनातन धर्म में परब्रह्म के बारे में बोलते हैं, सिर्फ रिलीजन एंड गॉड नहीं है, हमारे पास 64 कलाएं हैं, मतलब 64 आर्ट्स, आर्कियोलॉजी, म्यूजिक, यू नेम इट, एंड इट एग्जिस्ट। सो इट्स ऑल अबाउट यू नो द होल पैकेज and then what the civilization gave to the world, matlab kya diya, matlab decimal system ya number theory ya algebra etc etc aur philosophy jo hamari granthon mein hai about life, matlab kaisa jeevan karna hai, dharm kya hai, adharm kya hai, dharm karne se hame kya milta hai, adharm karne se humko kya milta hai, और इस सृष्टि मतलब दिस यूनिवर्स एंड देन द मल्टीपल यूनिवर्सेस, कई कई ऐसे विषयों के बारे में हमारे धर्म ग्रंथ में मिलते हैं। तो इन सब रीजंस से मैं कह सकता हूँ कि सनातन धर्म इस्लाम से बेस्ट है। डिफाइन करेंगे सनातन धर्म क्या चीज़ है? सनातन धर्म जो है वो परब्रह्म के बारे में है और जीवन के बारे में है, धर्म के बारे में है और कैसा जीना है और जीवन का अर्थ क्या है, हम इधर क्यों है, क्या करना है। सिंपल और हमारी डेफिनेशन उसकी जर्नी, दे रहे हैं। ये तो आपने सारी वो बातें पहले जो कही है वो आप रिपीट कर रहे हैं। सिंपल डेफिनेशन दीजिए कि सनातन किसी धर्म आदमी मतलब को सनातनी होने के धर्म, लिए क्या करना पड़ता है? धर्म को पालन करना पड़ता है। वो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना कि मैं अब ये करूंगा, उसके बाद वो आदमी सनातनी हो गया और उसके बाद आगे उसको सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं जो उसको फॉलो करने होंगे, ऐसा ही है अगर वो ऐसे को बता सके हमें तो। सनातन धर्म मतलब धर्म, जस्ट फॉलो धर्म इन सिंपल टर्म्स। ये धर्म कुछ उसका ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होगा ना? धर्म इज समथिंग मतलब जो ग्रंथ कहते हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक भगवद गीता, इसमें ऐसा जैसा लिखा है वैसा अपने जीवन फॉलो करो और यू विल जस्ट बी आउट ऑफ दिस मतलब साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड यू विल बी लिबरेटेड अल्टीमेटली। या ओके, लिबरेटेड एंड यू विल गो समवेयर दैट यू यू डोंट नो, बट दैट्स फाइन। नो वी नो, मसला ये वी गो है कि अच्छा मैं आपसे ना कैसे भाई, मसला कैसे भाई, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मैं रखना चाहूंगी कि मैं ये मित्रा भाई से कहूंगी कि अपने ग्रंथ की बार बार बात कर रहे हैं, मुझे किसी भी वेद में से ना सनातन धर्म वर्ड ये दिखा दें तो हम कहें कि आपने ये रिलीजन जो है, सनातन वर्ड भी जो है, सनातन धर्म रिलीजन जो है वो आपने वेद से लिया, या वेद में कहा गया हो कि ये जो वेद है ये एक्सप्लेन करते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म को ज्यादा नेम्स है, हिंदुइज्म कहते हैं, वैदिक धर्म कहते हैं, धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, सिमिलर फॉर एग्जाम्पल इस्लाम को ही मोहम्मदन रिलीजन कहते हैं, और ऐसा फिलोसफी एक ही होती है बट द नेम वी कॉल इट इज सनातन धर्म। So it means you cannot show Sanatan Dharm from Veds. That is the thing. Maybe I can, but it may take some time. Definitely. But you don't know. It's not there. Oh, Veda is like thousands of verses. But in Bhagavad Gita, you'll find it. Have you ever seen it? The word Sanatan Dharm in Ved? Yeah, in Bhagavad Gita I did. But in Veda, आप दोनों ने इंग्लिश शुरू कर दी है, हमें उर्दू पे लगा के हैं। अच्छा सॉरी, मैं कह सनातन धर्म जो है वो भगवत गीता में भी नहीं है। हाँ मिलती है, मैं देखा नहीं है। अच्छा, वो भगवत गीता वेद नहीं है ना? बट हाउ इज इट मतलब वो आज टॉपिक का कैसे रिलेट होता है ना, वो तो अलग टॉपिक है ना, हम फिलॉसफी के बारे में बोल रहे हैं इधर और आप डेफिनेशंस के बारे में बोल रहे हैं। उसकी उसकी जरूरत इसलिए है मेरे भाई कि
आपने हमारी लाइव स्ट्रीम्स देखी होंगी, आमिर भाई की, अली रजा खुरम भाई की, उख्ती अलैना की, मुफ्ती यासर साहब की भी। मेरा सनातनी भाइयों से कम इंटरेक्शन होता है इसलिए मैं अपना नाम इसमें नहीं ले रहा, लेकिन मैं भी बाकी स्ट्रीम्स में बैठा हुआ होता हूँ। तो मोस्टली ये होता है कि हम जब हमारी टीम के लोग किसी भी स्क्रिप्चर की बात करते हैं तो उस पर थोड़ी सी लैद होती है, थोड़ी बात होती है, उसके बाद एक और हमारा सनातनी भाई आता है या बहन आती है और वो पिछले को डिसोन कर देती है कि वो तो है ही नहीं, उसको तो हम मानते ही नहीं हैं, वो मनुस्मृति की बात कर रहा है। अगले आके वो कह देते हैं कि नहीं वो तो ऋग्वेद, उसको कोई उसके बारे में कोई, तो इससे ये हमें समझ आती है कि इसके अंदर कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। आपकी चॉइस है कि आप इसके इस सब सिस्टम को मान लो या उस सब सिस्टम को मान लो, विच इज फाइन। अगर आप ये कहें कि हमारी ब्यूटी है तो उस पर हम अलहदा से बात कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि आप जो क्लेम आपने किया है ना कि एक ऐसा सिस्टम है कि इसके अंदर साइंस भी और फिलॉसफी भी और मैथ्स भी और ये सारी की सारी बातें, सॉरी साइंस का पता नहीं आपने कहा या नहीं कहा, तो ये निगेट इस तरह हवाले से हो जाती हैं कि जिस बिलीफ सिस्टम के अंदर सेंट्रलाइजेशन ही नहीं है, इन मैनी केसेस जहां पे एक इलाके में एक गॉड है दूसरे इलाके में वो गॉड आपके सनातन सिस्टम में ही, मिसाल के तौर पे जो रावण हैं वो कहीं कहीं पे हीरो भी नजर आ जाते हैं, कहीं वो एक ईवल के तौर पे नजर आते हैं। हमें पता नहीं आपका किस नजरिया है उनके बारे में, क्या आप ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं रिस्पेक्टफुली उनका नाम दे रहा हूँ कि आप ऑफेंड ना हो। तो प्रॉब्लम यहाँ से हो जाता है कि आमिर भाई सर क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मेरी आवाज आ रही होगी क्या सर भाई? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, सलामत रहे, सब खैरियत का? बिल्कुल आप ठीक टाइम पे आए हैं, ये आपका टॉपिक है, मैं सिर्फ आप इफ आई कैन ब्रिंग यू अप टू स्पीड के हमारे सनातनी भाई हैं जो ये फरमा रहे हैं कि इस्लाम से बेहतर इसलिए सनातन है कि इसके अंदर एक होलिस्टिक सिस्टम है, कि इसके अंदर म्यूजिक भी है, इसके अंदर फिलॉसफी भी है, इसके अंदर ह्यूमन राइट्स भी हैं और सारी चीज़ें हैं। तो मैं शेयर कर रहा था कि हमारी स्ट्रीम्स में जब एक सनातनी आता है उसे हम बात करते हैं तो अगला आके वो पिछले के दिए वो सारे रेफरेंसेस को डिसऑन कर देता है कि नहीं वो तो है ही नहीं। तो अगर इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन नहीं है तो ये फिर कैसे बेहतर हो सकता है? यहाँ तक हमारी अब बात हुई है, इसका जवाब ब्रदर ने देना है, फिर आगे आप टेक ओवर कर लीजिए। जी जी जरूर, कैसे भाई? जरूर जी, मित्रा साहब क्या कहेंगे? लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन ही है। वेदास डिसाइड, इफ एनीथिंग इज अगेंस्ट वेदास, टेक इट अवे। द वेदास, दैट इज अ बेसिक थिंग इन हिंदुइज्म और सनातन धर्म। जी आमिर भाई, वेदास पे खड़ा है सारा, वही सेंट्रलाइजेशन है इसकी। बट इफ यू स्पेसिफिकली आस्क मी, मतलब सनातन धर्मी शब्द वेदों में कहा है, आई वुड हैव टू लुक इट अप, इट्स गोना टेक सम टाइम, बट दैट्स नॉट इवन द पॉइंट, राइट? नहीं मिलेगा, नहीं पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, द फिलॉसफी, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट। So when you claim, मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि हमारे सुनने वाले हिंदी हैं, ज्यादा हिंदी उर्दू। जब आप ये क्लेम करते हैं कि एक पर्टिकुलर सनातन धर्म है और वो बेटर है फलां से, तो आपको पहले एस्टेब्लिश करना होगा कि जिस धर्म को आप क्लेम कर रहे हैं वो सनातन धर्म एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपने भी ये जुमला बोला है कि हर चीज बेस करेगी वेद के आधार पर, ठीक है? हाँ ठीक है जी। मूर्ति पूजा को मानते हैं आप? हाँ मानते हैं। ठीक है, वेद से सिद्ध करें मूर्ति पूजा। वेदों में मूर्ति पूजा कहाँ है, क्या आप वो पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वेद के आधार पर सनातन धर्म सिद्ध होगा तो आपके 95% सनातनी जो हैं वो वेद के विरुद्ध जा रहे हैं, ये बेटर है, जिसको वो फॉलो ही नहीं कर रहे। यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके धर्म में, आस्था का, श्रद्धा का, प्रार्थना का, स्तुति का, समरण का, ईश्वर का, कि जिसने भेजा है, वो ही अगर सिद्ध नहीं हो रहा वेद से तो 95% सनातनी जो है वो सनातन धर्म के विरुद्ध खड़े हैं। हाउ इज इट बेटर? विरुद्ध, उसमें क्या विरुद्ध है? वेदों में ऐसा कहता है कि परब्रह्म दो दो रूप में होते हैं, सगुण परब्रह्म होते हैं, निर्गुण परब्रह्म होते हैं। शेयर करें, शेयर करें आप। ओके, मतलब हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है कि खामोशी भी एक तरह का इजहार होता होती है।
इस खामोशी से आप किस चीज का इजहार कर रहे हैं? हेलो जी, जी 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 हाँ सर, मतलब क्या आप सर्च कर सकते हैं, मतलब कोई क्रोम ओपन करके? जी 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 मुझे बता दें क्या है। या आप क्रोम पेज ओपन कीजिए और जी जी बताएं। सो व्हाट वाज द टॉपिक, मतलब सनातन धर्म में निर्गुण परब्रह्म और सगुण परब्रह्म के बारे में हम बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नॉट सनातन धर्म फोकस। वेदाज में आपने दिखाना है मूर्ति पूजा से द्वितीय, मूर्ति पूजा का प्रमाण मिलता हो कि एक ईश्वर परम ब्रह्म के अलावा मूर्तियों की, जड़ की और दूसरे पदार्थों की उपासना प्रार्थना की जा सकती है, ये करना सिद्ध। क्योंकि सनातन, नॉट इन सनातन धर्म, सनातन धर्म वेद के आधार पर चलेंगे तो वेद से चीज होगी। बाय द वे आपने मौसीकी की बात की, उस पर मैं सेकेंडरी आऊंगा। जी आई जस्ट सुन सकते हैं? जी जी मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसा सर्च किया, मूर्ति पूजा इन वेदास, द प्रैक्टिस ऑफ मूर्ति पूजा कैन बी ट्रेस्ड टू वैदिक टाइम्स, वेरी एंशिएंट थीसिस और नॉट लिसन 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 सर, मतलब आई एम नॉट हियर फॉर जस्ट गूगल, आई एम हियर फॉर अ पर्टिकुलर रेफरेंस, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं वैदिक टाइम्स की बात नहीं कर रहा, वेद की बात कर रहा हूँ। वैदिक टाइम्स में और भी बहुत कुछ होता था, स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि वैदिक टाइम्स के ऊपर बीट दिखाया जाता था। करके रहते हैं या मुझे चांस देते हैं? मैं रेफरेंस जब तक नहीं मिलेगा इंटरप्ट करता रहूंगा, ये मेरी गंदी आदत समझे, ठीक है। वैदिक टाइम्स पर जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद ने वैदिक टाइम्स के अंदर बीफ अलाउ किया है कि उस वक्त गाय काटी जाती थी। आप करेंगे अलाउ? क्या आप करेंगे? सोर्स दे सकते हैं? सोर्स दे सकते हैं? सोर्स कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, पूरा प्रोग्राम है मीट मुबारक टू हिंदूज। अगर आपने वैदिक टाइम्स पर जाना है तो मैं ऐसी प्रथाएं लेकर आऊंगा जिसको आज आप फॉलो नहीं कर रहे। विच वेदा विच वर्स ना, आप पहले रेफरेंस दे मेरा भाई, रिलेवेंट चीजों में क्यों जा रहे हैं आप? मित्र भाई, मित्र साहब, देयर आर इवन चेंजिंग द टॉपिक। आई एम नॉट चेंजिंग द टॉपिक, यू चेंज द टॉपिक। आई एम आस्किंग अबाउट अ वैदिक मंत्र वेयर इट अलाउज टू वर्शिप आइडल्स, ठीक है, एंड यू आर ब्रिंगिंग अप वैदिक टाइम्स, दैट्स व्हाई। So give me a single Vedic mantra, not Vedic times. There is a big difference between a time and a book. Yeah, yeah, I know. I'm looking. Don't worry. Yeah. Yes. Look. वैसे उक्ति हमें थोड़ा सा ना कोई शरिया कंप्लायंट एम्बियंस हमिंग टाइप म्यूजिक कोई रखना चाहिए साथ, इस तरह की सिचुएशंस के लिए कि अभी अभी कोई यूट्यूब पे आया और वो देखे कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं, पता नहीं क्या मेरी यूट्यूब तो नहीं खराब हो गई। कौन बनेगा करोड़पति के पीछे, नहीं वो टाइम टिक होता, वो चलेंगे। जी 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 हाँ, कुछ इस तरह से होना चाहिए। नहीं, हमारे पास बड़ी हल्की हल्की जो है ना वो चीजें हैं। चले मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। जी, ये हमारे पास। बाय द वे कैसर भाई, जितनी देर में ये ढूंढ रहे हैं कैसर भाई, जी जी, सनातन धर्म के शास्त्र खास तौर पर वो जो नियम देते हैं, यानी मनुस्मृति जिसको कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाता है हिंदू धर्म में, मनुस्मृति म्यूजिक को, तालियों को, सीटियों को, गाने बजाने को अलाउ नहीं करती। अच्छा, सो देयर इज नो म्यूजिक, तो इनकी नॉट परमिसिबल रूल्स है ना सनातन धर्म में, इफ आई अंडरस्टैंड दैट करेक्टली। यानी मनुस्मृति को हिंदू राष्ट्र का, फाइंड वैदिक मंत्र, आई वाज जस्ट चेकिंग यू आउट कि आप मंत्र ढूंढ रहे हैं हमारी बात सुन रहे हैं। बट डोंट लाइ, बट डोंट लाइ, दैट्स आवर सेकंड पॉइंट। आई विल कम बैक टू इट, आई विल नॉट, बट ही शैल नॉट, मैं आपको जाने। हां, यस। अच्छा मित्रा साहब, मैं आपको ना बड़े पोलाइटली बताता हूं कि आप इस तरह की ना हरकत ना करें। अमर भाई बहुत बेइज्जत करते हैं बंदे को, मैं आपको बड़ा पोलाइटली कह रहा हूं, तो जो डिसएग्रीमेंट है उसको सिविल रखें। बड़ी अच्छी तरीके से गुफ्तगू होगी, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो एंजॉय भी करेंगे। थैंक यू। अच्छा, सुन के खामोश हो गए, उनको समझ आ गई ये बात। मनुस्मृति जो है
कई हिंदुत्ववादियों ने जो कट्टर सनातनी है उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के मनुस्मृति लाने की बात की थी। इसकी इतनी महत्व है, यानी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है कि मनुस्मृति को माना जाता है कि ये वैदिक काल का ग्रंथ है। इसलिए जब इन्होंने वैदिक टाइम्स कहा तो मनुस्मृति खुलेगी तो बहुत सी चीजें नामंजूर होंगी भाई को। नहीं तो ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई आदमी कहे कि मैं डिसोन करता हूँ मनुस्मृति को, लेकिन जो वेदास हैं मैं सिर्फ उनके मुताबिक चलूंगा, या वेदास की एक्सप्लेनेशन हमें सिर्फ वहां पे मिलेगी, नहीं जैसे तफसीर या तशरीह होती है, यानी रिलेशन क्या है वेदास का और मनुस्मृति का आपस में? मनु जो है एक बहुत बड़े ऋषि गुजरे हैं, गुजरे तो वैदिक काल के हैं, और अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मनुस्मृति आदि ग्रंथ है। So when you say आदि ग्रंथ, that means कि वो मान रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में, beginning of the human being, जब human being start हुए हैं as a society रहना, तो उस वक्त मनुस्मृति लिख दी गई थी, ये नियम बना दिए गए थे। So that's why it's very important। और दूसरी चीज ये है कि मनुस्मृति के खुद चैप्टर 2 के अंदर महर्षि मनु जी कहते हैं कि मैंने मनुस्मृति को वेदों के अकॉर्डिंग लिखा है, वेदों के अकॉर्डिंग। तो यानी ये समझ लें कि वो मानते हैं कि वेदों का सार, यानी वेदों का जो असेंस है, जो निचोड़ है, वो निकलकर मनुस्मृति लिखी गई है। बट ये भी एक है कि मनुस्मृति को लोग रिजेक्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो वेद ही है, बहरहाल यही रियलिटी है। यानी उसमें ये पॉसिबिलिटी पाई जाती है कि आज अगर जो सनातन धर्म के एक्सपर्ट्स हैं अगर वो एक एकेडमिक एंडेवर अंडरटेक करें और मनुस्मृति को अगर वो अपडेट करने की कोशिश करें, या उसमें से अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो वेद के साथ अकॉर्ड नहीं करती और किसी भी वजह से उसमें आ गई, जो किसी रिलीजन में भी आ सकती हैं, तो उसको वो एक्सपंज कर दें, तो ये गुंजाइश मौजूद है यानी सनातन धर्म में? किया भी हुआ है, उन्होंने किया भी हुआ है, दे ट्राइड। विशुद्ध मनुस्मृति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने जो लिखी है उसमें बेसिकली जो फैब्रिकेटेड श्लोक्स थे उनके अकॉर्डिंगली वो कट्ठे किए हैं, मगर वो रूल्स इतने वीक और इतने एम्बिगुअस और वेग हैं कि वो कैसे भाई, मिसाल के तौर पर हम इस्लाम के मामले के अंदर हम कहते हैं कि जो चीजें अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद थी और आपने नहीं की, तो देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है ना, कि अल्लाह के रसूल ने वो क्यों नहीं की। सिमिलरली जब मनुस्मृति के ऊपर आप फैब्रिकेशन का कुछ क्लेम करते हैं किसी श्लोक का, और वो कंडीशन ऐसी हो कि जो उससे पहले बड़े बड़े ऋषियों के समय पर भी मौजूद हो, कोई नई चीज आपने डिस्कवर नहीं की, तो फिर आप ये चीज नहीं कह सकते कि आपको आज पता चल गया वो फैब्रिकेटेड है और पुरानों को नहीं पता चला। मिसाल के तौर पर दो सिचुएशंस हम रखते हैं, या तो ये है कि मनुस्मृति का कोई इतना ओल्डेस्ट मैनुस्क्रिप्ट आपके सामने निकल आया है जो कि दूसरे मनुस्मृति के मैनुस्क्रिप्ट के साथ टैली नहीं कर रहा, सो देयर इज अ सॉलिड रीजन कि आप ये कह सकते, दोनों एक ही एज के हैं वो दोनों जो स्क्रिप्ट्स हैं। नहीं, मैं कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, कैसे भाई, दोबारा रिपीट करता हूँ, दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मनुस्मृति के किसी श्लोक को फैब्रिकेटेड कहना है तो उसके पीछे जिस तरह हमारे पास उसूले हदीस हैं जरह तादील में, हम ये कहते हैं कि फलां रावी है और उसके पास हमारे पास एक पूरी चेन मौजूद है, वेयर एज मनुस्मृति के श्लोक को जिन्होंने फैब्रिकेटेड कहा है उन्होंने कोई सॉलिड रीजन नहीं दिया है, साफ पता चलता है कि किसी बंदे ने बैठ कर ये रूल्स अब बनाए हैं क्योंकि वो चीजें पहले भी मौजूद थी। अगर ये कोई ऐसी चीज कमजोरी होती, कोई फॉल्ट होता, तो उन महर्षियों को भी पता चलता। मिसाल के तौर पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार किसी मनुस्मृति के श्लोक को कहते हैं ये इसलिए फैब्रिकेटेड है क्योंकि ये फलां चैप्टर के फलां श्लोक से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो सवाल ये उठता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आज तो डिस्कवर नहीं हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन तो पुराने मैनुस्क्रिप्ट्स के अंदर भी मौजूद था, तो उन ऋषियों को क्यों ना पता चला कॉन्ट्राडिक्शन है, जबकि मनुस्मृति को लंबी चौड़ी हजारों की ग्रंथ नहीं है। अगर जो संविधान या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिप्लेस किया जाए मनुस्मृति से, तो कहने का तो मतलब यह है ना कि आप एक बेहतर चीज से उसे रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो कंट्री की अब जो फर्दर मामला चलेंगे उनकी ग्राउंडिंग रिलीजन के अंदर होगी, एंड दैट इज फार बेटर, इसलिए कि वो मैन मेड सिस्टम नहीं है बल्कि वो एक डिवाइनली इंस्पायर्ड जो सेट ऑफ लॉज हैं उस पर बनेगा। लेकिन जैसा भी आपने बताया कि ना सिर्फ इसको चेंज किया जा सकता है बल्कि चेंज किया भी गया है, एकेडमिक का आपने नाम लिया था, तो बात तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आ जाती है कि जैसे उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं वैसे मनुस्मृति में भी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो फिर ये अपग्रेड कैसे है, ये बेहतर कैसे है उससे?
बड़ा जबरदस्त सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल। यही वजह है कि मनुस्मृति को फिर जलाया था। हम उसको यानी कंडोन नहीं करते या उसको अप्रिशिएट नहीं करते अंबेडकर साहब की बात को, मगर मनुस्मृति को इसलिए जलाया गया था कि कैसर भाई मनुस्मृति के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो बर्दाश्त से बाहर हैं, मॉडर्न दुनिया की बर्दाश्त से बाहर हैं। और ऑप्शनल बेसिस पर नहीं लिखा गया था, मैंडेटरी बेसिस के ऊपर कुछ ऐसे दंड यानी कुछ ऐसी पनिशमेंट थी कि जो प्रैक्टिकली आज के दौर के अंदर अगर आप देना शुरू कर दें तो समाज के अंदर दंगे मच जाएंगे। तो इस किताब को जलाया था अंबेडकर साहब ने इसी बेस के ऊपर। तो सनातन ये किताब इम्प्लीमेंट रही है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अंदर कुछ ऐसा कथन मिलता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट मिलते हैं जिसमें श्री राम जी ने मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट किया, यहां तक लोग कहते हैं। सो राम राज्य जो कि बड़ा आइडियल माना जाता है, बड़ा एक उसको ग्लैमराइज किया जाता है राम राज्य को, उसमें मनुस्मृति को ही एज अ कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया था। तो हाल देख सकते हैं। That's very interesting conversation. जी मित्रा साहब, आपको उम्मीद है रेफरेंस मिल गया होगा, फरमाइए। जी आई थिंक आई विल नॉट बी इंटरप्टेड, आई होप सो, बिकॉज अंटिल बिफोर दिस अमीर हक केम वी वर टॉकिंग अनइंटरप्टेड। यस, ये मेरे साथ बहुत दफा होता है। मित्रा भाई जल्दी से मंत्र दें। तो उपनिषद है, उपनिषद वेदों से, नॉट उपनिषद, वेद, उपनिषद वेदों से है, वेदों में है। उपनिषद वेदों में नहीं है, वेद में संहिताज होते हैं, उपनिषद उसका सार है आगे। वेद आपने बात की थी, अगर आप मुझे किसी ऑथेंटिक स्कॉलर का रेफरेंस दे दें जो उपनिषदों को वेद का पार्ट मानते हो, ऑथेंटिक स्कॉलर। एंड आल्सो ऋग्वेद 7:104-24। रुके जरा, ऋग्वेद एंड 7:104-24 जी जी, एक मिनट रुकिएगा। 7:104-24 English translation. This is from a website called Wisdom Lib. Slay Indra, the Yatudhana, whether in the form of a man or of a woman, doing mischief by her deceptions. May those who sport in murder of perish dissipated. Let them not behold the rising sun. And commentary by Sayana, Rigveda Bhashya. रुके जरा। ये जो आपने वेद मंत्र पढ़ा है, इसका जो अनुवाद पढ़ा है, इसको एक्सप्लेन करें, क्या ये उस क्लेम के अकॉर्डिंग बैठ रहा है जो क्लेम आपने किया था? जी, या आई एम एक्सप्लेनिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन। स्ले इंद्रा, मतलब वो इंद्रदेव से पूछ रहे हैं, स्ले देम मतलब किल देम, दयतु धना, एंड Saina gave the meaning of Yatudhana, which means Rakshasa. So kill the Rakshasa, whether in the form of a man or of a woman doing mischief. Matlab, jo, what do we say, mischief, matlab, bad things. Anaitik kari jo kehte hai, by her deceptions, by deception. May those who sport in murder perish dissipated. Matlab, jo murder karte hai, may they be perish, may they be destroyed. Let them not behold the rising sun. So clearly, I think this does not do, but there are other two verses. Clearly, idol worship ko kahan support kar raha hai? Kis angle se? In this, there are two other verses also. Nahi. Oh, toh ye kyun padhi bhai? Oh, because that is the reference that is being given and we are just checking them. There are two verses now. आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना टाइम आपने लिया, मैं इंतजार कर रहा था कि आप स्पेसिफिकली जो क्लेम किया आइडल वर्शिप, आप गूगल चेक करते हैं, फिर आप हमसे चेक करवा रहे हैं, तो उसको चेक करें। नहीं अमर भाई, मुझे लगता है कि इसमें ना हमें थोड़ा सा, मित्रा साहब मुझे लगता है कि आमिर भाई हमें मित्रा साहब से ना थोड़ा सिंपथेटिक होना पड़ेगा इस हवाले से, इसलिए कि मेरा ये गुमान है कि आप दोनों का ही वक्त जाया हुआ है। जहां से इन्होंने जल्दी से रेफरेंस मांगा, उन्होंने ये दे दिया और उन्होंने बगैर चेक किए पढ़ दिया।
हालांकि जो ये बता रहे थे जब, तो मैंने भी साथ टाइप करके चेक किया और मैं सोच रहा था कि इसका क्या ताल्लुक है जो आपने सवाल पूछा। तो चूंकि हम दोनों के साथ धोखा हो गया है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कैसर भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो भाई खुद चेक नहीं कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं, सो मैं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता होता। वो बस बाकी किसी ने उनको पकड़ा दिया ऐसे ही और उन्होंने आगे उसको पढ़ दिया। ओके देन लेट्स डू दिस, आई विल चेक द अदर टू वर्सेस एंड देन वी कैन टॉक, आई विल नॉट इंटरप्ट यू। यस थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मेरी तरफ से इतना ही है। जब भी आप ये क्लेम करें कि सनातन धर्म इज बेटर देन इस्लाम, तो प्लीज काइंडली उसके ऊपर रेफरेंसेस रेडी रखा करें प्लीज, वरना मैं कैसर भाई तो बड़े सब्र वाले हैं, मैं भाई थोड़ा सा इस मामले के अंदर कंजूस हूं, मुझे फिर इरिटेशन होती है, माजरत चाहता हूं। ओह सी आई कैन आल्सो से हाउ हिंदूइज्म इज बेटर विदाउट इवन वर्सेस, मतलब एटर्नल हेल। नो नो ना 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 ना, लोग भाई, लोग भाई भाई रुके भाई रुके, एनी रिलीजन विद एटर्नल हेल इज 100% वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदूइज्म। नाउ यू आर सेइंग हिंदूइज्म, प्रूव हिंदूइज्म फ्रॉम वेदास और फ्रॉम मनुस्मृति और फ्रॉम एनी उपनिषद, हिंदूइज्म वर्ड, हाउ डस इट इवन, व्हाट इज इवन द पॉइंट, मतलब क्या है, फर्क क्या पड़ता है? हम फिलॉसफी, आप मुझे कह रहे हैं, डेफिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, एक क्या है? लुक भाई मित्रा भाई, लुक मित्रा भाई, अगर आप कहते हैं एप्पल इज बेटर देन ऑरेंजेस, फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट व्हाट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड इज एक्चुअली एन एप्पल। वी आर नॉट स्टूपिड मेरा भाई, हम जानना चाहते हैं, पब्लिक सुन रही है, लोग जानना चाहते हैं। जब आप, दैट्स व्हाई आई एक्सपेक्ट यू टू डू बेटर, यस यू एक्सपेक्ट, एंड सिमिलरली आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर फ्रॉम यू। आपके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, कोई चीज आप लेकर भी नहीं आए, और जो आप ला रहे हैं वो भी जो है वो बिल्कुल, आई टोल्ड यू ना आई हैव टू मोर वर्सेस। मित्रा भाई आप नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कीजिएगा दोबारा, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे फिर वी विल जस्ट चेक दिस टू वर्सेस एंड देन वी विल जस्ट लीव।